दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के आज संडे वीकेंड के बाद एपिसोड के दौरान घर के अंदर एक ऐसा सीन देखने को मिला जिसे देखकर फैंस की भी आंखों से आंसू छलक आए। दरअसल दोस्तों मनीषा रानी यहां पर रोते हुए दिखाई दी क्योंकि मनीषा रानी को घर के सभी कंटेस्टेंट ने अपना अगला निशाना बना रखा है। यहाँ तक कि खुद जो शो के होस्ट है सलमान खान, कहीं ना कहीं उसने भी कहीं ना कहीं मनीषा रानी को अपना जो है टारगेट बनाया हुआ है। दरअसल दोस्तों घर के अंदर FIR टास्क चल रहा था और इस दौरान घर वाले एक दूसरे के ऊपर FIR कर रहे थे घर के आरोपों को देखते हुए। इस दौरान जिस तरीके से पूजा भट्ट ने मनीषा रानी को टास्क यार्ड में बेइज्जत किया है वो बात कहीं ना कहीं मनीषा रानी को काफी ज्यादा हर्ट कर गई और यही वजह है कि मनीषा रानी बुरी तरीके से रो पड़ी। दरअसल मनीषा रानी को टारगेट करते हुए पूजा भट्ट ने कहा कि ये तो आग लगाती है, ये इधर की बात उधर करती है और ये कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट रहती है जो कि मुझे बहुत खटकता है। जी हाँ दोस्तों, खटकने वाला वर्ड यूज़ किया था लेकिन बाद में अपनी बात से मुकर कर कोई और वर्ड ही यूज़ कर लिया। और इस दौरान घर के अंदर हुए ऑडिशन टास्क के लेकर भी बातचीत करते हुए कहा कि ये तो स्क्रिप्ट राइटर है, ये डायरेक्टर है, ये सब कुछ बन जाती है, इसको खुद के ऊपर इतना ओवर कॉन्फिडेंट है, ये चीज़ अच्छी बात नहीं होती। साथ ही साथ दोस्तों घर के अंदर आग लगाने वाली कहा है और कहा है कि एक की दो करती है, लोगों को जाके पीठ पीछे छुरा घोंपती है। और ये सारे इतने गंदे इल्जाम लगने के बाद मनीषा रानी को काफी बुरा लगा जिसके बाद मनीषा रानी जो है वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। हालांकि दोस्तों इस टास्क के दौरान केवल पूजा भट्ट ही नहीं, जिया शंकर और अविनाश ने भी मनीषा रानी को अपना निशाना बनाया जो कि मनीषा रानी को काफी बुरा लगा और उसकी वजह से मनीषा रानी एपिसोड के दौरान फूट फूट कर रोते हुए नजर आई थी। फिलहाल दोस्तों इस पूरे इंसिडेंट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए ताकि बिग बॉस की हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।